नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स आपके साथ मैं हूं परवीन सिंह क्यों टिकट बंटवारे पर अघाड़ी में है टेंशन उद्धव के पैंसठ उम्मीदवारों के ऐलान पर क्यों नाराज है कांग्रेस अजीत पवार ने भी उम्मीदवारों का किया ऐलान क्या है चुनाव आयोग का ऐलान इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस महाविकास आघाड़ी में पिचासी पिचासी सीटों पर कांग्रेस शरद पवार और उद्धव गुट में बनी सहमति लेकिन 33 सीटों पर सस्पेंस बरकरार उद्धव ठाकरे ने पैंसठ उम्मीदवारों का किया ऐलान लिस्ट में सामने आए कई चौंकाने वाले नाम महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने के लिए नई गाइडलाइंस सा आई सामने कैंडिडेट के साथ सिर्फ पाँच लोगों को मौजूद रहने की इजाजत अजित पवार के एनसीपी ने अड़तीस सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान लिस्ट में विभिन्न क्षेत्रों से प्रत्याशियों के नाम शामिल महाराष्ट्र में कांग्रेस और सपा में झगड़ा हुआ तेज राहुल और अखिलेश ने सीट बंटवारे पर नहीं बनी बात खबरों में सबसे पहले बात विपक्ष मचे संग्राम की महाराष्ट्र विधानसभा की दो सीटें हैं और महाविकास आघाड़ी में तय फार्मूले के हिसाब से तीनों दलों के बीच अभी तक 255 सीटों पर बात बनी है 33 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है नाना पटोले के बयान के मुताबिक 18 सीटें महाविकास दूसरे सहयोगी दलों को देने पर विचार करेगा नाना पटोले ने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी समेत अपने गठबंधन दलों से बातचीत करेंगे और कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि पिचासी 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 के फार्मूले के हिसाब से तीनों दलों के बीच दो सीटों का बंटवारा हुआ है सांसद अनिल देसाई से सवाल किया गया कि इस फार्मूले के हिसाब से 255 सीटें ही हुई हैं, तो 33 सीटों पर विवाद क्या कायम है इस पर उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है लेकिन 33 सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी में अब भी संग्राम जारी है शरद पवार के बीच में आने के बाद कांग्रेस और उद्धव के बीच बातचीत तो हुई लेकिन सीट बंटवारे पर बुलाई गई बैठक में जमकर बहस देखी गई थी की नोक हुई खास तौर से संजय राउत और नाना पटोले के बीच काफी बहस देखी गई अब बताया जा रहा है कि तीनों दल 85 85 85 के फार्मूले के तहत ही चुनाव लड़ेंगे लेकिन कांग्रेस के महाराष्ट्र नेता इस फार्मूले से खुश नहीं है जिससे साफ है कि यह टकराव चुनाव प्रचार में भी देखने को मिलेगा खबरों में आगे बढ़ते हैं बात उद्धव के ऐलान की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पहली लिस्ट जारी कर दी गई उद्धव ठाकरे ने पैसठ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है जिसमें वर्ली से उनके बेटे आदित्य ठाकरे को उम्मीदवार बनाया गया इसके अलावा ठाणे से राजन विचारे को टिकट दिया गया है मुख्यमंत्री एक शिंदे के सामने ठाकरे गुट के केदार दिघे को कोपरी पांच पखाड़ी से टिकट दिया गया है महाविकास अघाड़ी में उद्धव गुट ने सबसे पहले लिस्ट जारी की अभी कांग्रेस और एनसीपी की लिस्ट आना बाकी है मंगलवार को ही राज्य की दो सीटों के लिए महाविकास अगाड़ी के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई करीब चार घंटे तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक चली थी बैठक के बाद शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा था कि महाविकास में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है अब कोई और मीटिंग नहीं होगी लेकिन इसके बाद एक और और मीटिंग हुई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाविकास आघाड़ी में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग तय की गई थी महाराष्ट्र में बीस नवम्बर को सिंगल फेज में वोटिंग है रिजल्ट तेईस नवम्बर को आएगा राज्य की विधानसभा का कार्यकाल छब्बीस नवंबर को खत्म हो रहा है खबरों में आगे का रुख करते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पर निर्वाचन आयोग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे चुनाव के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है नामांकन के पहले दिन सत्तावन उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया और इन सबके बीच मुंबई पुलिस नामांकन दाखिल करने के दौरान निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या तक सीमित कर दी गई है। एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा एक के तहत मंगलवार को जारी निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रत्याशी के केवल

कोपुर गांव से आशुतोष काले अकोले से किरण लहमटे और बसमत से चंद्रकांत उर्फ राजू नवगरे और चिपलूट से शेखर निकम और मावल से सुनील शेलके को टिकट दिया गया है एनसीपी का यह कदम चुनावी मैदान में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है पार्टी ने विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो क्षेत्रीय राजनीति में उनकी पहचान को और मजबूत कर सकते हैं आने वाले चुनावों में एनसीपी का यह कदम चुनावी रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वही अजीत पवार को लेकर अभी महायुति में भी टेंशन बरकरार है खबरों में अब बात समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन ने आज एक इंटरव्यू के दौरान यूपी की नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों की मांग सहित कई मुद्दों पर बातचीत की महाराष्ट्र की कुछ मुस्लिम बहुत सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी अड़ी हुई है जिस पर सपा नेता ने कहा उत्तर प्रदेश का पीडीए संदेश समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में लेकर गई है हम सभी को साथ लेकर चलने में भरोसा रखते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चेहरे पर पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी चाहे सीट मुस्लिम बाहुल्य हो या फिर पिछड़ा बाहुल्य हो इंडिया अलायंस के साथ हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर बातचीत चल रही है इस पर सपा नेता ने कहा है कि हमने 12 सीटों की मांग की और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सीट को लेकर हमारी कोई जिद नहीं है समाजवादी पार्टी तो कम सीटों पर भी संतोष कर लेती है सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व की बात चल रही है हमें भरोसा है की सीट शेयरिंग का फार्मूला निकालते हुए इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने का काम करेंगे लेकिन फिलहाल जिस तरह से सपा नेता बारह सीटों की मांग कर रहे हैं उसके बाद महाविकास आघाड़ी का जो घटक दल है कांग्रेस वो इसके लिए राजी नहीं है और बाकी के दल भी इसको लेकर बिल्कुल भी राजी या सहमति देते हुए नजर नहीं आ रहे जिससे अखिलेश यादव की दिक्कतें बढ़ सकती खबरों में आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है इस बीच उद्धव ठाकरे गुट ने एक बार फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि खोकेबाजी के जरिए महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी उसकी सरकार बनी तो 50 खोखे एकदम ओखे का नारा लोकप्रियता के चरम पर था ये नारा गद्दारों की जान जलाता था लेकिन ये नारा कितना प्रासंगिक था इसका जीता जागता उदाहरण अब सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिया है शिंदे सरकार को घेरते पचास खोखों की रसद बांट रहा है इस खेप के कुछ खोखे पकड़े जाने से खोखेबाजों के साथ साथ ईमानदारी का कपूर उड़ाने वाले ढोंगियों की इज्जत भी सरेआम निशाने पर आ गए सामना में कहा गया कि पुणे के खेड़ शिवापुर इलाके में टोल बूथ पर नाकेबंदी के दौरान कुछ गाड़ियों को रोका गया जिनमें एक वाहन से पांच करोड़ रुपए की नगद राशि जब्त की गई गद्दारों की भाषा में कहें तो इस नाकेबंदी में एक एक करोड़ रुपए के पांच खोकेश करोड़ रुपए थी जिसका अर्थ गद्दारों की भाषा में पंद्रह खोके है लेकिन जिस जगह ये कार्रवाई हुई है वहां पर खोके बाद सरकार के गद्दारों के सरदार ने किसी को फोन किया और इस गाड़ी के साथ आई दूसरी गाड़ियों को छोड़ दिया गया यहाँ पर सीधे तौर पर संजय राउत की तरफ से शिंदे सरकार पर बड़े आरोप लगाए गए हैं जिसका जवाब भी दिया गया है और शिंदे सरकार ने कहा है कि ये हार की बौखलाहट को दिखाता है खबरों के आखिर में बात एक शिंदे की सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी जिसमें 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर के दर्शन करने पहुंचे और चुनाव में महायुति की जीत के लिए पूरा भरोसा जताया एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये अभी पहली लिस्ट आई है इसके बाद दूसरी लिस्ट आएगी और उसके बाद हम लोग चुनाव लड़ेंगे जिसमें महायुति की जोरदार जीत होगी उन्होंने गुवाहाटी में आने के मौके पर कहा कि हम माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आए हैं हम माँ के दर्शन करेंगे और माँ का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद फिर मीडिया से बात करेंगे। दरअसल ये लिस्ट मंगलवार को ही जारी कर दी गई थी मुख्यमंत्री एक फिर से कोपरी पच पकड़ी से चुनाव लड़ेंगे उनके साथ दूसरे मंत्रियों में गुलाब राव पाटिल जलगांव देहात संजय राठौर दिगरस और अब्दुल सत्तार सिलोड़ दादाजी भूसे आउटर माले और तानाजी सावंत परडा शंभुराज देसाई पाटन उदय सावंत रत्नागिरी और दीपक केसकर सावंतवाड़ी शामिल है जहां से वो लोग चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री संदीपन भमरे की जगह उनके बेटे विलास भुमरे को पैठर से उम्मीदवार बनाया गया है इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही आपको हमारे वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार